दोस्तों, इंडस्ट्री में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे वागन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी चाहे रॉ मटेरियल लाने के लिए हो या इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे वागन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका इंडस्ट्री में रेलवे वागन से ही मटेरियल आता है, मटेरियल जाता है, तो आज का वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा कि कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, बिना इंजन के रेलवे वागन यहाँ पे खड़ा है। तो बिना इंजन के कैसे रेलवे वागन को मूवमेंट किया जाता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पे रेलवे वागन खड़ा है और रेलवे वागन को मूवमेंट कैसे किया जाता है। रेलवे वागन को मूवमेंट करने के लिए हाइड्रोलिक का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोलिक पावर पैक का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखे होंगे एक ट्रेन में इंजन के अलावा 50-60 वागन लगा होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जहाँ पे ये अनलोडिंग या लोडिंग पॉइंट रहता है वहाँ तक ट्रेन का इंजन आता है, विथ वागन आता है। लेकिन लोडिंग पॉइंट में पहुँच जाने के बाद इंजन को अलग कर दिया जाता है, इंजन को छोड़ दिया जाता है। ओनली कंप्लीट जो रैक रहता है दोस्तों, 50-60 वागन का रैक, वो वहाँ पे रहता है। लेकिन वहाँ से रैक को हम लोग कैसे मूवमेंट करते हैं, रैक को मूवमेंट करने के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर के थ्रू ये मूवमेंट किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे वागन का दोनों साइड में दो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा सिलेंडर है दोस्तों। रेलवे ट्रैक का दोनों साइड पे दो बड़ा बड़ा सिलेंडर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के ऊपर वागन को प्लेसमेंट कर दिया जाता है, फिर वहाँ से इंजन उसे छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कैसे वागन को मूवमेंट कराएंगे, यानी ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है दोस्तों। हाइड्रोलिक सिलेंडर जब मूवमेंट करेगा तो उसका पिस्टन आगे की तरफ जाएगा और फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो फिर वापस पीछे की तरफ आएगा। तो ये सिलेंडर कैसे मूवमेंट करता है, सिलेंडर ऑयल के थ्रू मूवमेंट करता है। सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है जो कि आगे और पीछे मूवमेंट करता है। तो ये आगे पीछे कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, एक हुस पाइप लगा हुआ है। दोनों सिलेंडर का पीछे में एक हुस पाइप लगा हुआ है और सिलेंडर का फ्रंट साइड में भी एक हुस पाइप लगा हुआ है। जब सिलेंडर का बैक साइड वाला पाइप में ऑयल आएगा तो ये सिलेंडर आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, और फ्रंट साइड में जब ऑयल आएगा तो सिलेंडर बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। यानी सिलेंडर को आगे पुश करने के लिए बैक वाला पाइप में ऑयल आना चाहिए, और सिलेंडर को बैकवर्ड मूवमेंट करने के लिए फ्रंट साइड में जो पाइप है दोस्तों, वहाँ पे ऑयल आना चाहिए। तो ये ऑयल कहाँ से आता है दोस्तों, ये ऑयल आता है हाइड्रोलिक पंप से। सबसे पहले तो दोस्तों हाइड्रोलिक मोटर को ऑन करना पड़ता है, और जब हम स्टार्ट कमांड देते हैं, सिलेंडर मूवमेंट का कमांड देते हैं, तो सोलेनोइड वाल्व के थ्रू ऑयल आता है। तो यहाँ पे दो सिलेंडर के लिए चार हुस पाइप लगा गया है, एक सिलेंडर के लिए दो हुस पाइप और दो सिलेंडर के लिए हो गया चार हुस पाइप। तो चार हुस पाइप के लिए हम लोगों को चार सेपरेट सोलेनोइड चाहिए। तो मान लीजिए एक नंबर सिलेंडर को हमने फॉरवर्ड कमांड दिया, फॉरवर्ड कमांड दिया यानी ऑयल कहाँ पे आएगा, ऑयल आएगा उसका बैक साइड वाला हुस पाइप में ऑयल आएगा। तो उसी का सोलेनोइड वाल्व सबसे पहले ऑपरेट होगा और बैक साइड में ऑयल आएगा, ऑयल आके ये सिलेंडर का पिस्टन को आगे मूवमेंट कराएगा। तो ये फॉरवर्ड कमांड में कितना दूर तक जाएगा दोस्तों, और फिर ये कैसे बैकवर्ड में आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों एक लिमिट स्विच है, यानी सिलेंडर का पिस्टन आगे की तरफ मूवमेंट करेगा और ये लिमिट स्विच तक आएगा। लिमिट स्विच जैसे ही उसको सेंस करेगा, उसको कटअप करेगा, और फिर वहाँ से बैकवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, लिमिट स्विच लगा हुआ है, ये वाला लिमिट स्विच जो कि सिलेंडर का मूवमेंट को ये सेंस करता है। ये एक मैग्नेटिक सेंसर है जो कि सिलेंडर का पोजीशन इसके पास आएगा तो उसको मैग्नेटिकली सेंस करेगा और फिर उसको कटअप कर देगा, यानी यहाँ से और आगे नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ से बैकवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। बैकवर्ड यानी जो ऑयल बैक साइड वाला हुस पाइप में आ रहा था वो वाला ऑयल फ्लो वहाँ से बंद हो जाएगा और आगे वाला हुस पाइप में ऑयल फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये सिलेंडर बैकवर्ड में मूवमेंट करेगा दोस्तों। और उसके लिए क्या चाहिए, जो बैकवर्ड वाला जो सोलेनोइड था वो सोलेनोइड ऑपरेट होना चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक लिमिट स्विच लगा हुआ है दोस्तों, जो कि बैकवर्ड का मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, यानी कितना बैकवर्ड में ये आएगा, कहाँ पे कट ऑफ होगा, ये लिमिट स्विच के थ्रू उसका पोजीशन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं।
तो ये ऐसे ही दोस्तों सिलेंडर आगे पीछे मूवमेंट करता है, यानी बेसिकली मोटर का स्पीड सेम रहता है दोस्तों। मोटर एक बार स्टार्ट हो गया यानी कॉन्स्टेंट स्पीड में मोटर चलता रहता है, लेकिन आपको ऑयल फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर सिलेंडर का पिछला वाला पाइप में ऑयल आएगा तो सिलेंडर आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, और आगे वाला पाइप में अगर ऑयल आएगा तो सिलेंडर पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा। और ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए दो सोलेनोइड वाल्व लगाया जाता है। सोलेनोइड वाल्व को कंट्रोल करके ऑयल फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, यानी जो सोलेनोइड वाल्व ओपन होगा उसी के थ्रू ऑयल आएगा। और दो सोलेनोइड वाल्व में दो पाइप लगाया जाता है, एक पाइप सिलेंडर का बैक साइड में लगाया जाता है, एक पाइप सिलेंडर का आगे साइड में लगाया जाता है। और सिलेंडर कितना डिस्टेंस मूवमेंट करेगा उसके लिए ये लिमिट स्विच लगाया जाता है दोस्तों। लिमिट स्विच एक फॉरवर्ड के लिए लगाया जाता है और एक बैकवर्ड के लिए लगाया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम देख लेते हैं ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हाइड्रोलिक यूनिट में क्या क्या रहता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हाइड्रोलिक का मोटर एक है, और हाइड्रोलिक मोटर का साइड में देखिए दोस्तों एक बड़ा सा टैंक है जो कि ऑयल टैंक है, क्योंकि ये ऑयल के थ्रू ये हाइड्रोलिक मूवमेंट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑयल है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों सोलेनोइड वाल्व। जैसे मैंने बोला कि कम से कम चार सोलेनोइड वाल्व चाहिए, एक सिलेंडर के लिए दो और सेकेंड सिलेंडर के लिए दो सोलेनोइड चाहिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करने के लिए। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, मोटर के साथ एक पंप लगा हुआ है, जो पंप का काम है दोस्तों ऑयल टैंक से ऑयल को सिलेंडर तक ले जाना। ये पंप के थ्रू ही ऑयल फ्लो होगा दोस्तों। ऑयल टैंक से ऑयल आएगा और ये पंप के थ्रू पंपिंग होगा। ये देखिए दोस्तों पाइप है, ये पाइप के थ्रू ये ऑयल जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों ये ऑयल जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों ऑयल को फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि ऑयल मूवमेंट होता है तो ऑयल में कुछ इम्प्यूरिटीज़ मिल जाता है दोस्तों, तो उसको फिल्टर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ऑयल फिल्टर भी उसके बीच में लगा होता है। ऑयल फिल्टर होने के बाद जाएगा सोलेनोइड वाल्व में जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सोलेनोइड वाल्व है, तो ये सोलेनोइड वाल्व को हम कंट्रोल करते हैं। तो सोलेनोइड वाल्व में जब हम कंट्रोल सप्लाई देंगे, जो भी सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट होगा उसी के थ्रू ये ऑयल सिलेंडर तक जाएगा दोस्तों, थ्रू ये पाइप। ये देख रहे हैं दोस्तों ये ऑयल पाइप है, ये ऑयल पाइप के थ्रू ऑयल फ्लो होगा। कहाँ तक फ्लो होगा? सिलेंडर तक फ्लो होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑयल का प्रेशर, ऑयल का टेम्परेचर देखने के लिए भी गॉज लगाया गया है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ऑयल का प्रेशर कितना है और ऑयल का टेम्परेचर कितना है। और यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग फैन भी लगाया गया है दोस्तों।